जी कॉमन मिस्टेक्स हम सभी लोग करते हैं अपने मोबाइल फोन के कैमरे से, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन के कैमरे को डैमेज होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। वो कौन से ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम सभी लोग करते हैं और जिसे नहीं करना चाहिए, अगर आप सभी को जानना है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं हमारे टेक वर्ल्ड, मैं जाफर खान, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जैसे कि हमने आपको बताया कि हम सभी लोग अपने मोबाइल फोन के कैमरे के साथ में करते हैं और उसकी वजह से मोबाइल फोन के कैमरे का डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने मोबाइल फोन के कैमरे के साथ में नहीं करनी चाहिए ताकि हम अपने मोबाइल फोन के कैमरे को सेफ कर पाए, यानी कि सही सलामत रखें जब तक कि हम मोबाइल फोन को इस्तेमाल करें। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि वो कौन से ऐसी मिस्टेक हैं जिसकी वजह से मोबाइल फोन के कैमरे के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नंबर एक, कहीं पर भी लेजर लाइट शो होते हैं या फिर कंसर्ट होते हैं, हम लोग उसे अपने मोबाइल फोन के कैमरे के साथ में शूट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज की जो लेजर लाइट के प्रोग्राम होते हैं, कंसर्ट होते हैं, उसकी इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है, हमें अपने मोबाइल फोन से हाई डेंसिटी वाले लेजर कंसर्ट या फिर जो भी प्रोग्राम होते हैं उसे नहीं शूट करना चाहिए। क्यों? सेंसर एंड लेंस कैमरा के दोनों डैमेज हो सकते हैं अगर इस तरीके के प्रोग्राम को हम शूट करते हैं अपने मोबाइल फोन के साथ में। मिस्टेक नंबर दो, आप सभी ने देखा होगा कि हर एक बाइक पे आपको मोबाइल स्टैंड देखने को मिलता है, बट वहां पर होता क्या है कि कई बार हम मोबाइल को अपने बाइक के स्टैंड पे तो लगाते हैं, तो ये नहीं होता है कि जो स्टैंड लगा रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, किस तरीके का है, हमारे मोबाइल फोन का वाइब्रेशन कितना ज्यादा उसके साथ में बना रहेगा, यानी कि वाइब्रेट करता रहेगा। तो इस वजह से भी मोबाइल फोन का सेंसर और लेंस खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खराब ना हो बाइक पे मोबाइल फोन लगाने के बाद में, तो आपको स्टैंड उस क्वालिटी का लेना चाहिए जहां पर आपके मोबाइल फोन का जो वाइब्रेशन है वो उतना ज्यादा ना हो जितना कि आप जो स्टैंड लगाए हैं नॉर्मल उसकी वजह से होता है। तो वाइब्रेशन की वजह से भी यहाँ पर कैमरे के डैमेज होने के चांसेस बने रहते हैं। कहीं पहाड़ पे या फिर रोड ऐसी उबड़ खाबड़ जहां पर जाते हैं जहां पर डैमेज ज्यादातर वाइब्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, तो इस तरह की जगहों पे जाने से पहले आप अपने मोबाइल फोन को अपने पॉकेट में रख लीजिए या फिर जैसे दिल करें वहां पर रख लीजिए। ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा वाइब्रेशन होता है तो वहां पर आपके मोबाइल फोन के सेंसर, मोबाइल फोन के कैमरे के सेंसर और लेंस दोनों के डैमेज होने के चांसेस बने रहते हैं। कॉमन मिस्टेक नंबर तीन, आपने देखा होगा कि सोनी मोबाइल फोन ने 2014 से इंटरनेशनली तौर पे लॉन्च किया था वाटरप्रूफ मोबाइल फोन, जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्रेज हुआ था कि बहुत सारे लोग अंडर वाटर जाकर अपने मोबाइल फोन के साथ में शूटिंग करते थे, वीडियो बनाते थे। और कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके मोबाइल फोन या उनके कैमरे ये क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कराते हैं कि आप अंडर वाटर जाकर किसी भी चीज को शूट करें। तो आपको अपने मोबाइल फोन की क्वालिटी चेक करना चाहिए कि आपके मोबाइल फोन में वो क्वालिटी दी गई है या फिर नहीं दी गई है कि आप अंडर वाटर जाकर किसी भी तरीके की वीडियो को शूट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके मोबाइल फोन के साथ में नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन के साथ में अंडर वाटर जाकर वीडियो शूटिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आपके मोबाइल फोन का कैमरा परमानेंटली डैमेज हो सकता है। सो अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक्स। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने मोबाइल फोन से एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कि बहुत ज्यादा गर्म चीजों को शूट करने की कोशिश करते हैं, जहां पर हम कहीं ठंडी जगह पर खड़े होते हैं बट सामने अगर कोई भी टेम्परेचर आ रहा है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है, तो इस तरह की चीजों को भी हमको अपने मोबाइल फोन के साथ में नहीं करना चाहिए, यानी अपने मोबाइल फोन के कैमरे के साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिसमैच होता है सेंसर के साथ में भी, क्योंकि सेंसर की जो क्वालिटी होती है वो इतना ज्यादा टेम्परेचर झेलने की क्षमता नहीं होती है कि वो उतनी ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेल पाए। तो इस वजह से भी आपके मोबाइल फोन का जो सेंसर है या फिर लेंस है उसके खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इस तरीके की चीजों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए कि कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो इतना ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर की शूटिंग करने की जरूरत नहीं है कि आपके मोबाइल फोन का कैमरा
परमानेंटली डैमेज हो जाए, तो इस तरीके की चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 5, हम लोग अपने मोबाइल फोन को परचेज करते हैं, शूट करते हैं, कहीं पर भी किसी भी चीज को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मिस्टेक ये करते हैं कि हम लोग अपने मोबाइल फोन के कैमरे का प्रोटेक्टर नहीं परचेज करते हैं, यानी कि एक लेंस सेंसर प्रोटेक्टर या फिर लेंस प्रोटेक्टर, इस तरीके की चीजें हम लोग नहीं परचेज करते हैं कि अपने मोबाइल फोन के कैमरे को सेव कर पाए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि अगर आपको अपने मोबाइल फोन को कहीं पर भी इस्तेमाल करना है या फिर कुछ भी करना है, तो आपको अपने मोबाइल फोन के कैमरे के सेंसर के लिए मोबाइल फोन लेंस प्रोटेक्टर परचेज कर लेना चाहिए, ताकि आपके मोबाइल फोन की जो भी शूटिंग से जो आप अपने मोबाइल फोन के साथ में शूट करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके की जो भी अनवांटेड एक्टिविटी है उससे आपके मोबाइल फोन के कैमरे को या फिर सेंसर को या लेंस को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और आपका मोबाइल फोन सेफ रहे। Xiaomi 13 Pro एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर लाइका लेंसेज दिए गए हैं उसके बैक साइड में, जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन के कैमरा, लेंस, सेंसर, इन सब चीजों के प्रोटेक्टर के लिए ये बेस्ट ध्यान में रखते हुए इस चीज को बनाया गया, इस मोबाइल फोन के अंदर इनबिल्ड किया गया कि आपके मोबाइल फोन के साथ में अगर किसी भी तरीके की शूटिंग करते हैं या फिर हाई डेंसिटी हाई टेम्परेचर वाले कुछ भी शूट करने की कोशिश करते हैं, तो कम से कम आपके मोबाइल फोन के सेंसर और लेंस को प्रोटेक्ट किया जा सके, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस मोबाइल में ये सारे के सारे फीचर इनबिल्ड किए गए थे। ऐसी डिवाइस है, अगर आप इसे परचेज किए हैं तो आप सेफ अपने मोबाइल फोन के कैमरे को रख सकते हैं। सो फ्रेंड, ये रही कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक जो हम अपने मोबाइल फोन के कैमरे के साथ में करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन का लेंस, कैमरा या फिर सेंसर या फिर सभी चीज डैमेज होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इन 5 मिस्टेक्स को आप लोग अवॉइड करिए अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन के कैमरे के सेंसर लेंस को सेफ रखना चाह रहे हैं। सो फ्रेंड, आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है या फिर आप ऐसी ही और टेक्निकल वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो आप लोग चैनल पर विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उसे देख पाएं। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ने अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अमान टेकवुड।